सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग में बनता है वो ये है कि मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सो मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें हम लोग अपने रजिस्टर्स में एंट्री पास करते हैं, लेजर भी हम उसी में बनाते हैं, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट खुद से बनाते हैं सब कुछ, उसे मैनुअल बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटराइज किसे कहते हैं, जिसमें हम एंट्री को जस्ट रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि हेड बनाकर एंट्रीज रिकॉर्ड कर देते हैं, बाकी सारा काम वो सॉफ्टवेयर करता है, दैट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। जस्ट लाइक अ टैली, टैली में आप सिर्फ एंट्री पास करते हो, बाकी सारा काम जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, सब कुछ टैली आपको बना के देता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, रिकॉर्डिंग दोनों में सेम ही रहती है, लेकिन बाकी के फर्दर प्रोसेस यानी कि क्लासीफाई करना, उनको लेजर में बनाना और या फिर समराइज करना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह, सब कुछ मैनुअल में हम करते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज में कंप्यूटर करता है। सो ये डिफरेंस है दोनों में।